वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फॉरवर्ड रीजनिंग और बैकवर्ड रीजनिंग या फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग के बीच में फर्क देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो मैं वही कहूँगा जो बार बार कहता आ रहा हूँ कि सबसे पहला है कि फॉरवर्ड रीजनिंग जो है वो डेटा ड्रिवन है, जबकि बैकवर्ड रीजनिंग जो है वो गोल ड्रिवन है। फॉरवर्ड रीजनिंग के अंदर हमेशा नए डेटा से शुरुआत होती है, जबकि बैकवर्ड रीजनिंग के अंदर हमेशा कंक्लूजन या कोई अनसर्टेनिटी से शुरुआत होती है। फॉरवर्ड रीजनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंक्लूजन तक पहुंचना, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे आगे आप कंक्लूजन आपको मिलते जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, कंक्लूजन तो हम मान के चलते हैं कि है हमारे पास, लेकिन उस कंक्लूजन के लिए जो प्रॉपर एविडेंसेस हैं, वो जो हाइपोथेसिस है, वो हम टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम एविडेंस तलाशते हैं। बैकवर्ड रीजनिंग जो है वो कंजर्वेटिव टाइप की अप्रोच है, लेकिन जो फॉरवर्ड रीजनिंग है उसमें क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक टाइप की अप्रोच है। अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच मतलब ये कि आपको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, सबको सीढ़ियां बनाते हुए चलना है। लेकिन ये बेसिकली बैकवर्ड अप्रोच उल्टा करती है, वो सीढ़ियां ढूंढती है कौन कौन सी है। हमेशा जो बिल्कुल शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, वहां से लेके एंडिंग तक, कॉन्सिक्वेंसेस तक जाती है हमारी फॉरवर्ड अप्रोच, लेकिन बैकवर्ड अप्रोच कॉन्सिक्वेंसेस से इनिशियल स्टेज तक जाती है। फॉरवर्ड रीजनिंग हमेशा इनिशियल फैक्ट्स पर डिपेंडेंट करती है, जबकि बैकवर्ड रीजनिंग कुछ गोल या किसी हाइपोथेसिस पर डिपेंडेंट होती है। फॉरवर्ड रीजनिंग के अंदर एक परेशानी क्या है कि फॉरवर्ड रीजनिंग या टॉप डाउन अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, वो सारे के सारे रूल्स को टेस्ट कराने की कोशिश करती है, और हो भी जाते हैं सारे रूल टेस्ट। लेकिन बैकवर्ड रीजनिंग में वही रूल सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि गोल तक लेके जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे रूल्स को छोड़ दिया जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी का इश्यू जो है वो थोड़ा सॉल्व हो गया बैकवर्ड रीजनिंग से। इवन आप कभी भी देखना, कंप्यूटर साइंस की डिक्शनरी उठाइएगा, कभी भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड या टॉप डाउन और बॉटम अप की बात आएगी तो हमेशा बैकवर्ड जीतेगा, बॉटम अप जीतेगा, टॉप डाउन हमेशा इसी वजह से हारेगा क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी होती है। टॉप डाउन अप्रोच जो होती है या फॉरवर्ड रीजनिंग जो होती है, वो क्या करती है कि शुरुआत से लेकर एंड तक पूरे डायमेंशन को देखने की कोशिश करती है, जबकि बैकवर्ड रीजनिंग सिर्फ वही डायमेंशन देखती है जिसको काम के हैं। टॉप डाउन और बॉटम अप मैंने आपको बताई दी। फॉरवर्ड रीजनिंग के अंदर क्या है कि फॉरवर्ड रीजनिंग जो प्रोड्यूस करती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंक्लूजन प्रोड्यूस करती है, जबकि बैकवर्ड रीजनिंग जो है वो कंक्लूजन प्रोड्यूस करती है बड़े फाइनाइट लेवल के, बड़े कम। फॉरवर्ड रीजनिंग में जो है वो डेटा जो होता है वो पूरे का पूरा अवेलेबल होता है, लेकिन बैकवर्ड रीजनिंग में डेटा जो है डिमांड पे बुलाया जाता है, मतलब डेटा की जरूरत जब आन पड़ती है तभी हम उसको इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। फॉरवर्ड रीजनिंग में बड़े स्मॉल नंबर ऑफ इनिशियल स्टेट है लेकिन कंक्लूजन बहुत सारे हैं, जबकि बैकवर्ड में इसका जस्ट उल्टा है। बैकवर्ड में नंबर ऑफ गोल जो है वो बड़े कम रहते हैं, लेकिन उन पर अप्लाई करने वाले रूल जो होते हैं वो सारे होते हैं। फॉरवर्ड रीजनिंग जो होती है वो हमेशा फॉर्मेशन में थोड़ी सी मुश्किल होती है, गोल फॉर्मेशन में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन बैकवर्ड रीजनिंग में गोल का फॉर्मेशन से तो शुरुआत हो रही है, तो इसलिए गोल का फॉर्मेशन वहां पे आसान होती है। फॉरवर्ड रीजनिंग हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और सारे पॉसिबल कंक्लूजन ड्रॉ करती है फैक्ट के, फैक्ट से मतलब लेती जाती है और कंक्लूजन ड्रॉ करती जाती है, जबकि बैकवर्ड रीजनिंग हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है और उसका मेन टारगेट होता है सिर्फ गोल को जस्टिफाई करना यूजिंग दी फैक्ट्स, फैक्ट्स फाइंड आउट करिए और गोल को जस्टिफाई करिए, दैट्स इट, बाकी जितना भी कचरा है उसको छोड़ दीजिए। फॉरवर्ड रीजनिंग हमेशा सुटेबल होती है उन टाइप की प्रॉब्लम में जिसमें आप प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन जब भी कभी कोई डायग्नोसिस की बात आती है जिसमें आपको किसी पेशेंट का ब्रेन का या किसी कैंसर का या किसी और किसी चीज़ को डायग्नोसिस करना होता है, तो उस टाइम पे आपको बैकवर्ड रीजनिंग की याद जरूर आएगी। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो कुछ अच्छाइयाँ फॉरवर्ड की भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ बैकवर्ड की भी हैं, लेकिन अगर मुझे बोला जाए, वो मुझसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड अप्रोच में से बेटर कौन सी है, तो मैं पेपर में सॉल्व करने में तो फॉरवर्ड अप्रोच आसान थी, लेकिन कंप्यूटेशन के अंदर बैकवर्ड अप्रोच थोड़ी सी आगे निकलती है फॉरवर्ड रीजनिंग से, जस्ट बिकॉज वो स्पेस और टाइम को बचाती है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फॉरवर्ड रीजनिंग के और बैकवर्ड रीजनिंग के। थैंक यू सो मच।